अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन लेबॉरेटरी में और यूनिवर्सिटी में पढ़ी। हाइड्रोजन परऑक्साइड की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। हाइड्रोजन परऑक्साइड के हम यूजेस पढ़े। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी केमिकल प्रॉपर्टीज यूनिक है किस तरह से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है, इंड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। अब देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है, H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना आपका। वाटर क्या होता है? H2O। वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। केमिकल प्रॉपर्टीज, तीन केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहले केमिकल का डीकम्पोजिशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज का मतलब टूट जाना। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड विद वाटर। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है आपका। जब इसको हीट देते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में हीट देते हैं, इसी वजह से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की वजह, यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, ठीक है, MnO2, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपने हीट दिया, कैटलिस्ट आपने यूज़ किया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट गया H2O वाटर ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड था ना, टूट के इसमें कन्वर्ट हो गया वाटर में और ऑक्सीजन गैस में, इसे कहते हैं डीकम्पोज हो जाना, टूट जाना। हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट गया वाटर में और ऑक्सीजन गैस में और हीट भी निकल गया, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपने जब हीट दिया वो टूट गया मैग्नीशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी में एज ए कैटलिस्ट के तौर पर आपने हीट दिया, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट गया, इसमें टूटा वाटर में और ऑक्सीजन गैस और हीट भी निकली, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। यानी कोई भी कंपाउंड टूट जाए, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड में टूट जाए तो उसे कहते हैं डीकम्पोज हो जाना। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इधर, अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में खास बात क्या है? देखें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों चीज़ हैं। अब हम देखते हैं कैसे। देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड की असल जो प्रॉपर्टी की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बिकॉज इट कैन रिडली डोनेट ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब कैसे? इसकी एग्जाम्पल ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें प्रॉपर्टी क्या, डेफिनेशन क्या पड़ती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है?